Good morning, student. Today we are going to learn chapter 4, Basic Geometrical Ideas of Standard 6. In this chapter, we will discuss some geometrical topics like point, line, line segment, ray, etc. Now, first definition is point. A point determines a location. That means point जो है वो एक plane के ऊपर कोई perfect location को show करता है, right? जैसे कि आपके पास ये एक paper है, इस paper पे अगर हमने यहाँ पे एक dot लगा दिया, that means this is a perfect location. कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की perfect अगर location आपको show करनी है, तो आप उसे कैसे करेंगे? Point के through, okay? It is usually denoted by a capital letter. और geometry में जब हम ऐसे पॉइंट शो करते हैं तो पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. पॉइंट ए हो सकता है, पॉइंट बी हो सकता है, पॉइंट सी हो सकता है, ओके. ये एक एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है, राइट. नाउ द सेकंड डेफिनेशन इज लाइन. अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. लाइन के अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट है, राइट, बट एंड पॉइंट एक भी नहीं है. यहाँ पे एक लाइन का सिंबल आपको दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है. इस डायग्राम में अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं. ये लाइन जो है अनकाउंटेबल पॉइंट्स से मिलके बनी है, पर इसके अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं है, बिकॉज इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन. क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यूस क्या है, बढ़ रही है, दोनों तरफ आगे जाती जा रही है, ठीक है, रुक नहीं रही गई. अ लाइन इज शोन बाय द सिंबल दिस. इस तरीके के लाइन के सिंबल से हम लोग लाइन को शो करते हैं. एक एग्जांपल समझते हैं ये डायग्राम के थ्रू. ये हमने एक डायग्राम शो किया है, दैट इज कॉल्ड लाइन ए बी. क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये एक्सटेंड हो गया, ये भी एक्सटेंड हो गया, यानी कि ये कंटिन्यूस आगे बढ़ रही है. यहाँ से भी ये कंटिन्यूस आगे बढ़ रही है. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग ए बी. ये दोनों पॉइंट्स जो लिए, ये लिख दिया ए बी, और इसके ऊपर हम लोग एक लाइन का छोटा सा सिम्बॉल शो करेंगे. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइन ए बी भी लिख सकते हैं और लाइन बी ए भी लिख सकते हैं, ओके, बोथ आर इक्वल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. इट हैज टू एंड पॉइंट. जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा, ये एक लाइन है जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, पर इसी को अगर हमने कहीं पे से कट करके बाहर निकाल दिया तो ये देखिए क्या बन गया, लाइन सेगमेंट. क्योंकि सेगमेंट का मीन्स ही होता है पार्ट, ठीक है. दैट मीन्स लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का पार्ट, ओके, पार्ट ऑफ लाइन. तो इसकी डेफिनेशन भी हमारी बन जाएगी, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. इट हैज टू एंड पॉइंट. देखिए यहाँ पे ये दो एंड पॉइंट है, ओके. अ लाइन सेगमेंट इज शोन बाय द सिंबल दिस. जैसे लाइन सेगमेंट, लाइन का सिंबल हम लोगों ने लाइन का डायग्राम लिया था, इसी तरह लाइन सेगमेंट का सिंबल हम लाइन सेगमेंट का ही सिंबल लेंगे, ठीक है. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी, और ऊपर छोटी सी ऐसे लाइन शो कर देंगे. अब इसे हम ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल, राइट. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रे. अ रे हैज फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, राइट. रे के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, पर एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होता है. इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, और ये वन डायरेक्शन में कंटिन्यूस चलती रहती है. इट इज शोन बाय द सिंबल रे. तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह से ये कंटिन्यूस चल रही है, ए से बी की तरफ कंटिन्यूस है, राइट. तो इसका सिंबल भी हम लोग लिखेंगे कैसे, ए बी, और सिंबल इस तरफ आएगा क्योंकि लाइन बी की तरफ एक्सटेंड हो रही है, इसलिए ये सिंबल हम लोग इस तरह से लिखेंगे, राइट. हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, बी ए नहीं लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि लाइन बी की तरफ एक्सटेंड हो रही है, ना कि ए की तरफ, राइट. नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.1. यूज द फिगर टू नेम. आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है और कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइव पॉइंट.
तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट. यू कैन राइट पॉइंट डी कॉमा ई कॉमा ओ कॉमा बी एंड सी. राइट नाउ सेकंड क्वेश्चन अ लाइन दैट इज लाइन डी बी. इन्होंने एक ही लाइन पूछा है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे डी से बी की तरफ डी बी लाइन. ओके ऐसे अगर हम देखना चाहें तो डी ई लाइन भी है और डी ओ भी लाइन है पर हमें एक ही लाइन शो करनी है तो हमने क्या किया डी बी. ओके नाउ फोर रेज, फोर रेज आप देखिए तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी से ई की तरफ एक रेज जा रही है. राइट तो डी ई, फिर ई से ओ की तरफ भी एक रेज जा रही है तो ई ओ, फिर ओ से बी की तरफ एक रेज जा रही है ओ बी, देन ओ से सी की तरफ ओ सी. इन्होंने फोर रेज बोला था तो हम फोर रेज लिख रहे हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी रे हो सकती है. इस तरह भी हम लिख सकते हैं ई से डी की तरफ भी अगर हम देखें तो रेज जा रही है तो ई डी रे भी हो सकती है. फिर ई से अगर देखें तो ओ से ई की तरफ भी जा रही है तो ओ ई भी रे हो सकती है. क्लियर. और ओ से सॉरी बी से ओ की तरफ भी जा रही है तो बी ओ भी हो सकती है. इसी तरह बी से अगर हम देखें तो बी से ई की तरफ भी एक रे जा रही है तो बी ई रे भी लिख सकते हैं. ऐसे बहुत सारी रे आपकी हो सकती है. क्लियर. नाउ क्वेश्चन फाइव और सॉरी क्वेश्चन डी फाइव लाइन सेगमेंट्स. ओके तो लाइन सेगमेंट्स में हम लोग को क्या करना होता है जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से एरो लगा के इसे क्या शो कर दिया रे पर हम यहाँ एरो ना लगा के सिर्फ लाइन सेगमेंट को सिंबल करें तो ये लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो पहली लाइन डी ई डी ई और सिंबल पे ध्यान रखना हमें ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सिंबल आपका ही शो करता है कि आप लाइन लिख रहे हैं रे लिख रहे हैं या फिर लाइन सेगमेंट. राइट देन ई से ओ की तरफ जाए तो इतना ही देखें तो ई ओ दैट इज लाइन सेगमेंट. फिर ओ से बी ओ बी ओके सेम एज ओ सी. क्लियर. और डी बी भी लाइन सेगमेंट है. इसी तरह और भी लाइन सेगमेंट सब लोग निकाल सकते हैं है ना. तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स भी इसमें फाइंड आउट किए जा सकते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो जाता है.